तो मध्य प्रदेश का जो प्रमुख मानचित्र है, यहाँ पर जैसे हम इस मानचित्र में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश 1946 से 1956 तक किस पोजीशन में था, है ना। तो यहाँ पर इसको हमने देखा कि विभिन्न पार्टों में बांटा गया। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि उन पार्ट में प्रमुख कब बने, कब बदले, या जब पुनर्गठन के समय क्या था, है ना। जैसे हम देखें कि भाई का, खा और गा, उसके अलावा भोपाल स्टेट, तो यहाँ पर जो का आप देख सकते हैं, तो का में यहाँ पर मैंने बराबर लिखा सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, और छत्तीसगढ़ भाग ए में सम्मिलित था, जिनकी संयुक्त रूप से राजधानी क्या थी, नागपुर। मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और गवर्नर यहाँ पर राघवेंद्र राव थे। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट जो बेटे याद नहीं होते, ये आप इनको प्रिंट आउट निकाल के अपने घर में भी चिपका लोगे तो एक दिन में एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। भौगोलिक विस्तार मैंने बराबर दे दिया है, उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांतर कहाँ पर है। फिर बघेलखंड, जैसे भाग गा की हम बात कर रहे हैं, या पार्ट सी बोलो, बघेलखंड बुंदेलखंड की रियासत यहाँ पर कुछ है। 1948 में इसमें 35 रियासत शामिल हुई, पहले जो है इसमें कितनी रियासतें थी कितनी नहीं थी। यहाँ पार्ट बी है जिसमें पश्चिम की 25 रियासतें थी। 28 मई 1948 को भाग खा, इसमें मालवा को यूनियन के रूप में जाना जाता था। ये क्वेश्चन आते हैं बहुत ही डेप्थ में, कई बार क्वेश्चन को बना लेता है, और ऐसे प्रश्न जो कई बार किताबों में नहीं मिलते पढ़ने को कि भाई मालवा यूनियन के रूप में किसको जाना जाता था। मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी और गवर्नर यहाँ तखमत अमल जैन थे, है ना। फिर यहाँ हमने कुल क्षेत्रफल दे दिया, सीमावर्ती राज्य उस समय जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था 56 में कितने थे, है ना। उड़ीसा से हमारा बॉर्डर लग रहा था, आंध्र प्रदेश से हमारा बॉर्डर लग रहा था, ये कई लोग भूल जाते हैं तो ये मैप में आप याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र से हमारा बॉर्डर लग रहा था, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सभी भी लगता है ना। भोपाल राज्य 1949 तक भोपाल के एक स्वतंत्र राज्य रहा, जिसने नवाब उस्ताद हमीदुल्ला खां वहां पर प्रमुख थे। फिर 49 में जब भारत संघ में शामिल हुआ ये, तो भारत संघ में 1 जून को जब शामिल हुआ तो वहां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो आगे जाके भारत गणराज्य के राष्ट्रपति भी बनते हैं, है ना। इधर शंभुनाथ शुक्ल जो रीवा स्टेट के प्रमुख थे। इस तरीके से ये सी विंध्य प्रदेश, ये बी पश्चिम की पूरी रियासतें, पार्ट बी, ये सी, ये पार्ट ए। तो ये मैप में कलर वाइज मैंने इसको डिफाइन कर दिया है, ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। और इसी तरीके के जो कुछ और मैप है टॉपिक्स के, चाहे वो मिट्टी के हों, नदियों के हों, जलवायु के हों, बहुत सारा मध्य प्रदेश का ही नहीं, मैंने भारतीय इतिहास के भी, जो इतिहास इंडियन हिस्ट्री जिसके मैपिंग नहीं मिलती है, तो उसके भी मैप्स आप लोगों के लिए रेडी किए हैं, और इस तरीके की चीज़ें मैं डिस्कस कराऊंगा। ये सब मैप जो है मैं आने वाले समय में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।